सिपाही परिवार के साथ धरने पर बैठ गया है। सिपाही ने प्रभारी निरीक्षक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सिपाही ने एसपी को संबोधित अपना त्याग पत्र भी लिखकर दे दिया। जानकारी मिलते ही सीओ हरपालपुर ने कोतवाली पहुंच करके सिपाही से बातचीत की। झूठ बोलता हो ये मोदी क्या अपना त्याग पत्र दे रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक के द्वारा हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है कि हमको आवास नहीं मिला। हम बीवी बच्चे सहित हैं, यहाँ पे आए हैं। लवकुश यादव, गीता यादव और रमेश यादव आए हैं तो कहाँ रहेंगे। तो इन्होंने कहा कि यहाँ आवास नहीं मिलता है, आप कहीं भी सो जाइए। ये मुझको जब बर्दाश्त ना हुआ तो सलन श्रीवास्तव ने मुझसे कहा कि आवास नहीं मिला तो आप रोड में सो जाइए। क्या सिपाही रोड में सोते हैं क्या? इस रूप में उसका कहना है कि उसको आवास नहीं मिल रहा है। तो आप जैसा आप सभी लोग जानते हैं थाने में बैरक होती है, आवास वैसे भी कहीं कहीं होता है लेकिन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। बैरक में बहुत सारे सिपाही एक बड़े हाल में रहते हैं तो आवास नहीं है। तो उसका उसकी यहाँ पे पोस्टिंग भी इस समय नहीं है, उसकी पुलिस लाइन में पोस्टिंग है तो वहाँ पे उसको यहाँ से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी उसको बताया गया है, उसकी पत्नी को भी बताया गया। मनोज हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनोज, जानना चाहेंगे क्या इस पूरे मामले का हल निकल पाया, आला अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए, ये सिपाही जो है इसने पुलिस व्यवस्था की पूरी पोल खोल करके रख दी और धरने पर बैठ गया। इस पूरे मामले में हड़कंप मच गया। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने सीओ को मौके पर भेजा और मौके पर पहुंच करके सीओ ने सिर्फ इतना ही बताया है, उसका निराकरण यही है कि वो पुलिस लाइन में आकर उसकी पत्नी और बच्चे रहेंगे और वो बैरिक में रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरह से उसने व्यवस्था पर सवाल उठाया है उसको लेकर के प्रशासन ने अभी तक इसमें कोई त्वरित और न्यायोचित कार्यवाही नहीं की है। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।